Hello children, welcome to Adda 247 online school. इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 5 के क्वेश्चंस के आंसर्स. तो कौन से चैप्टर 5, कौन सा क्लास, आइए देखते हैं इस पीपीटी के साथ. ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस टेक्सटबुक का चैप्टर 5 जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उसके पेज नंबर 65 में दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे. और इस वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन 2 का आंसर देखेंगे. तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन. यानी कि अगर सेल के अंदर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अरेंजमेंट है, ठीक है, अगर वो किसी कारणवश, किसी फिजिकल या केमिकल रीज़न की वजह से ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो फिर क्या होगा, राइट. अब सोचिए एक सेल के अंदर कोई भी फंक्शन या कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़राब हो जाए तो क्या होगा. अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करेगा तो पूरा शरीर जो है वो इफेक्ट होगा, राइट. इसी तरह अगर सेल के अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो पूरा का पूरा सेल इफेक्ट होगा. तो सेल एकदम लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, तो वो सारे फंक्शंस करता है जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन. और अगर किसी में भी किसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आया तो ये सारे के सारे फंक्शंस भी इफेक्टेड होंगे. इसी का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ विच इज कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस. इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, देन द एबिलिटी ऑफ द सेल टू परफॉर्म ऑल लिविंग फंक्शंस सच एज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा वुड बी इफेक्टेड. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो सेल ठीक से रेस्पायर नहीं कर पाएगा, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उसके अंदर के जो एक्सक्रीशन प्रोसेसेस है वो ठीक से नहीं होगा. और धीरे से फिर क्या होगा, जब कोई हमारे शरीर में भी जब कोई बीमारी होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो ठीक नहीं होता है, बॉडी अगर प्रॉपरली काम करना नहीं शुरू करता है, तो यूजुअली द लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई, राइट. तो इस तरह जब सेल के ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्बेंस आएगा तो सेल ये जो लिविंग लाइफ प्रोसेसेस है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इवेंचुअली जो सेल है उसकी डेथ हो जाएगी, राइट. तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 2 का आंसर देख लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो आप उनके साथ इसको शेयर कीजिए. और अड्डा 24/7 ऑनलाइन स्कूल के ऐप को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी दूसरे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए. टिल द टाइम कीप स्टडिंग एंड कीप एन्जॉइंग. थैंक यू.